भाई क्या हो गया? ए भाई मत रो मत रो, मैं हूँ, टेंशन मत ले, मेरी गाड़ी ले जाता। सो हे गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डेकोरेशन नवरंगपुर। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। सो गाइस, टाइम अभी 2:00 हो रहा है। अभी हम निकल रहे हैं जहाँ महाराज जी निकले हैं, वहाँ से जटाबाल से। तो गाइस, आज 13th डे है। महाराज जी 13 दिन से चल चल के आ रहे हैं, तो 13वां दिन है आज। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सुबह से मैं इसलिए शूट नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं अभी दुकान पर था। तो दुकान पर वहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है, तो वहाँ साउंड वगैरह लगाए थे, तो थोड़ा सा शूट किया है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, फिलहाल खाना खाकर हम रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं हम महाराज जी के पास। तो स्कूटी से ही जाऊँगा मैं भी, मैं और पापा जा रहे हैं एक स्कूटी में, और एक स्कूटी में प्रिया और रश्मि, दो तीन जा रहे हैं। तो देखते हैं, आपको व्यू दिखाएंगे। इस टाइम का व्यू भी बहुत एक्सीलेंट है। इज रेडी फॉर वी आर, लेट्स गो। चलो जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। इसकी गाड़ी बंद पड़ गई भाई, क्या हो गया? ए भाई मत रो मत रो, मैं हूँ, टेंशन मत ले, मेरी गाड़ी ले जाता। अरे बिगड़ चलिए, भागेगा नहीं, मारूंगा यहीं पे पकड़ के। मामा जी गाड़ी चलाएंगे, पकड़ियो तो हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी। क्या कर रहे हो ये? नहीं होगी, गाड़ी खराब कर दी गाइस इसने। इस गाड़ी को इधर रख दे अंदर। तो गाइस हम तो निकल गए बिकॉज हमको पहुंचना है वहाँ पे, महाराज जी अभी निकलेंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए वो प्राइमरी स्कूल जहाँ पर महाराज जी हैं अभी। ओके तो गाइस पहुंच गए यहाँ से, मतलब 17 किलोमीटर दूर है। सो गाइज यहाँ पर जटाबाल के पास एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर महाराज जी रुके थे। तो अब वहाँ से निकल चुके, जैसे हम पहुंचे फिर वहाँ से वो महाराज जी निकले। तो अब जाएंगे वो पापड़ा हंडी में, छोटू महाराज जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर स्टे करेंगे, फिर कल निकलेंगे नवरंगपुर के लिए। यहाँ से वो स्टे अप्रोक्स 8 किलोमीटर दूर है। और ये आ गया गाइज, ये पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, ये चंबल का डाकू है गाइज। ओके चल रहे, तुम्हें जानते, इसको नहीं पता है गाइज, ये कुछ जानता नहीं है। नहीं आगे देखने, क्यों वहाँ पे नहीं करेंगे क्यों? तो गाइज मैं इस फोन को मैं एक और ट्राइपॉड में सेट करता हूँ। तो गाइस शायद प्लेस चेंज हो गया है, पहले कहीं मतलब स्टे था, तो अभी शायद कहीं और स्टे है, शायद अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आगे जाके पता चल जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट ब्लॉग में मिली मतलब दिख ही जाएगा। तो आप व्यू देख सकते हो गाइस यहाँ का, ये पापरांडी के पास ही है, मतलब आसपास ही है, आया नहीं अभी पापरांडी। व्यूज देखो गाइस, ये है हमारी ओडिशा की खासियत है ना, ये ओडिशा की खासियत है ना, ये स्टेशन कहीं जाना नहीं है, ओडिशा आना है डायरेक्ट। तो हम सबको कैसा लग रहा है पापा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी कैसा लग रहा है? महाराज जी पहली बार आ रहे हैं नवरंगपुर में, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है भाभी? भाभी आप बताओ। भैया मैं बिहार खड़ा के लाई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आपके लिए तो ये कॉमन है, मतलब आगरा में, राजाखेड़ा में। सो गाइस भाभी राजाखेड़ा से हैं और ये नवरंगपुर से हैं। भैया महाराज जी पहली बार आ रहे हैं नवरंगपुर में, कैसा लग रहा है? बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है आज। आज पापड़ांडी होते हुए महाराज नवरंगपुर प्रवेश करेंगे और बहुत ही आनंद उत्सर्ग आप देखते होंगे। आगे में भी महाराज चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं और ये उमरकोट से हम लोग साथ दे रहे हैं महाराज जी का, और बहुत ही खुशी लग रहा है आज। तो
अनेकों दिन हो गया ये प्रतीक्षा खत्म हुई ऐसे लग रहा है, और कल भव्य प्रवेश होगा नवरंगपुर में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। महाराज जी के बारे में दोस्तों, कल महाराज जी नवरंगपुर में प्रवेश करेंगे, बहुत ही जो शोभा जुलूस के साथ निकलेंगे और बहुत आनंद आएगा, बहुत बहुत आनंद आएगा। ओके, 9 से 14 तारीख तक सभी समाज के भाइयों को निवेदन है कि हमारे RCDA हाईस्कूल फील्ड में प्रवचन वगैरह होगा, सब दर्शन लाभ उठाएं और सबको आमंत्रित है हमारी जैन समाज नवरंगपुर से। ओके, थैंक यू भैया। सो ये अपराहंडी में रहते हैं टिंकू भैया, नवरंगपुर में भी रहते हैं, तो इनका फीडबैक मिल गया। अब देखते हैं आगे जाके पूछते हैं। आ रहा हूँ भैया अजनी, आपने देखा महाराज जी ब्लॉग? अच्छा, थैंक यू। वो आगे खड़ी है गाड़ी, वो रही मुझे यहाँ से दिख रही है। मेरे को दे दो। चल नीनी पकड़ लेगी तो नहीं जाएगी। जय गुरुदेव का नमस्तु शासन। सुबह का अगर समथिंग रह गया है क्या, 15 से ज्यादा ही है, मतलब 15 के कोई नहीं है, गाइस है। गाइस हेलो भैया कमल मिस्त्री जी आने ये जाल भी है और राजा बाबू बोलो खाना पीना हो गया क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया गया। अरे झूठे नहीं तो हाइट पहुंच नहीं रही है उस गाड़ी में बैठ गया बाइक चला रहा है, चलाने में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं उसकी हाइट नहीं पहुंच रही, वो जब उतरता है ना ऐसे कर करके उतरता है। तो गाइस यहाँ से और 7 किलोमीटर दूर है, फिर बाद में जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ से नवरंगपुर 5 किलोमीटर दूर रहेगा। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को निकलेंगे महाराज जी के साथ, फिर पहुँच जाएंगे हम लोग नवरंगपुर। तो कल महाराज जी का वेलकम होगा नवरंगपुर में, DJ-VJ के साथ होगा, देखते हैं क्या होता है। जा 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 आगे चल, आगे चल। तो गाइस अभी महाराज जी का छोटू महाराज में स्वागत होगा, जो पापरांडी का सिनेमा हॉल है छोटा वाला। क्या बोल रहा है काका? हम भी हैं। ये है छोटू महाराज, यहाँ पर मैंने कभी दिखाया नहीं है, ये एक सिनी कैफ छोटू महाराज है। ये टिंकू भैया का है, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल। ये देखो, ये आप देख सकते हो छोटू महाराज सिनेमा हॉल। सो फिलहाल यहाँ पर है अभी महाराज जी, कुछ ही मिनटों में निकलेंगे, तो नेक्स्ट 5 किलोमीटर के बाद एक और स्टे है, तो वहां रुकेंगे, फिर मॉर्निंग में निकलेंगे। क्या बोल रहा है? तो गाइस मोर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है बस। अरे तू चला गाड़ी चला पागल, छोड़ दो धीरे चला, चलो चला चल जा चल जा पागल नहीं तो। सो गाइस और 2 किलोमीटर दूर है हम लोग, वैसे तो मैं अभी गाड़ी में आ गया हूँ, फोटो क्लिक कर रहे हैं। दे दिया अभी काम है? तुझे क्या क्या काम दे दिया अभी? मेरे को सिर्फ एक ही काम मिला है। क्या? कि कोई खाना ना बिगाड़े। हाँ वो फुल इजी है, मैं तो पोस्टर लगा दूंगा वहाँ पे पेपर में चिपका के। अरे मुझे तो टोकन देने वाला काम भी है। आइज महाराज जी आ रहे हैं चल चल के, अभी हम जा रहे हैं घर, पापा को छोड़ के आना है।
गाइस फिलहाल तो घर आ गए हैं हम लोग, ओके। और वहाँ पे फिर बाद में वो लोग गए थे वहाँ पर, तो मैं इधर ही आ गया था। फिलहाल भैया से पूछते हैं, भैया कैसा लग रहा है महाराज जी आए हैं नवरंगपुर में? बहुत बढ़िया लग रहा है। और कुछ बताइए, और पिताजी बने हैं भगवान के भैया जी, तो आपको कैसा लग रहा है बताओ? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी आ रहे हैं पहली बार नवरंगपुर उड़ीसा में आ रहे हैं, सौभाग्य है कि वह हैं भगवान के माँ बाप बनने जा रहे हैं। ओके, तो ये एंट्रेंस गेट है हमारे मंदिर जी का ब्लॉग में। ओके चलो चलो चलो, यहाँ पे रंगोली लग रही है। ओके 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 ओके, सो गाइस ये बर्थडे गर्ल ड्रेस, लाइट वगैरह नहीं लगाई है क्या? जयकारा गुरुदेव का। ओ भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इसका ये काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, रात को लगा देंगे। रंगोली के बस्ते आ गए यहाँ पे। ओके, और अंदर क्या चल रहा है भाई? अंदर का काम ऐसा ही है। सो गाइस फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ इस ब्लॉग को दी एंड करने के लिए। सो गाइस आई होप आपको आज का बिहार का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो जो माता पिता बन रहे हैं, मैंने पिता दिखाया है आपको, और माता भी बन रहे हैं आप देख सकते हो। सो भाभी आप माता पिता बन रही हो, कैसा लग रहा है आपको? चलो मेरे बाप को ऐसे हो रहे जैसे मैं सचमुच में ही माता हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी बहुत शक्ति होनी चाहिए जो कि आप में भरपूर है। ओके ओके, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय। बोल इंट्रोडक्शन दे, तू पहले बोल तो। हेलो गाइस, व्लॉग शुरू हो गया भाई। नहीं नहीं ऐसे बोल, हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ऐसे बोल। हेलो गाइस, कैंटर न्यू व्लॉग, अभी सुबह का 4 का बजे हैं, अभी तो रात के 8 बजे हैं। ठीक है।